जय हिंद। आप सभी एक सर्विसमैन भाइयों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो IBPS बैंक क्लर्क की दोस्तों भर्ती निकली है इस बार फॉर द ईयर 2025-26 के लिए, उसमें दोस्तों जो पिछली भर्ती की जो कट ऑफ रही थी एक सर्विसमैन की वो क्या रही थी, तो एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको इसका रिव्यू करा देता हूँ जो ये वैकेंसीज निकली गई हैं। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास में अभी भी दोस्तों मौका है, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 8000 प्लस दोस्तों वैकेंसीज हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बैंक्स हैं जिसमें ये भर्ती होनी है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो अगर आपने अभी तक दोस्तों इसमें अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है और काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी इसमें होने वाली है। डिटेल्ड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो IBPS दोस्तों देख सकते हैं क्लर्क 14 की भर्ती है, ये CRP 14 करके लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पे इस बार तो CRP 14 है। तो जो CRP 13 यानी कि दोस्तों 2022 की जो भर्ती थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, उसमें क्या था, ठीक है, जो आपकी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ थी वो आउट ऑफ 100 में से कितनी गई थी। तो चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्टेट वाइज दोस्तों कट ऑफ है, IBPS की भर्ती जो है वो स्टेट वाइज निकलती है, तो स्टेट वाइज ही उसकी कट ऑफ बनती है। चलिए, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जो एक्स सर्विसमैन की दोस्तों कट ऑफ गई थी 21.88 गई थी और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की गई थी 35.88। सेम दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ थी वो एक्स सर्विसमैन की गई थी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर कोई भी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं थी, तो आंध्र प्रदेश की कोई भी कट ऑफ, सॉरी आंध्र प्रदेश की नहीं, इसकी अरुणाचल प्रदेश की कोई भी कट ऑफ नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम आसाम की। आसाम के दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ थी वो थी 20.63, डिसेबल एक्स सर्विसमैन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। बिहार की दोस्तों कट ऑफ थी 28.13, चंडीगढ़ की कट ऑफ थी 21.88, छत्तीसगढ़ की कट ऑफ थी दोस्तों 26.50, अंडमान सॉरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की जो कट ऑफ थी वो कुछ नहीं थी, यहाँ पर कोई भी एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं थे। न्यू दिल्ली की दोस्तों कट ऑफ थी 28.25, गोवा की थी 24.88, गुजरात की थी 21.38, हरियाणा की 32.88, हिमाचल प्रदेश की 20.88 और जम्मू एंड कश्मीर की 28.25। उसके बाद में झारखंड की थी दोस्तों 27.25। ओके, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम आगे देखें तो कर्नाटक की एक्सप्रेसमैन की 21.13 और डिसेबल एक्सप्रेसमैन की 20.13, केरला की दोस्तों जो कटअप थी 29.50 थी और डिसेबल एक्सप्रेसमैन की 26.30 थी। इसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो 19.38 कट ऑफ गई थी, महाराष्ट्र की दोस्तों जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 19.38, ठीक है, सेम मध्य प्रदेश के बराबर। मणिपुर की जो कट ऑफ थी सॉरी कुछ नहीं थी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों उड़ीसा की, उड़ीसा की कट ऑफ थी 28.50 और डिसेबल एक्सप्रेसमैन की कट ऑफ थी 22.63। ये जो मार्क्स हैं दोस्तों आउट ऑफ 100 है, मतलब 100 में से ये जो नंबर दिए गए हैं इतने नंबर पे सिलेक्शन पिछली बार एक्सप्रेसमैन और डिसेबल एक्सप्रेसमैन का हुआ था। उसके बाद दोस्तों पंजाब की जो कट ऑफ थी 29.88 थी और ये जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो इसलिए दी गई है कि लास्ट कैंडिडेट कौन सी डेट ऑफ बर्थ का सेलेक्ट हुआ था। राजस्थान की दोस्तों 20.50, उसके बाद में तमिलनाडु की 19.13 और डिसेबल एक्सप्रेसमैन की 17.88, उसके बाद में तेलंगाना की 21 और डिसेबल एक्सप्रेसमैन की 20.38, उत्तर प्रदेश की दोस्तों 24.88 और डिसेबल एक्सप्रेसमैन की 19.75। उसके बाद में उत्तराखंड की दोस्तों जो कट ऑफ थी वो थी 24.38 और वेस्ट बंगाल सॉरी
हाँ ये दोस्तों जो कट ऑफ है वो वेस्ट बंगाल की बता दी मैंने, सॉरी वेस्ट बंगाल की एक्स सर्विसमैन की 24.3 है, तो डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 22.88, और उत्तराखंड की जो है वो 30 नंबर पे एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ लगी थी। तो दोस्तों जितनी भी वैकेंसीज थी पूरी की पूरी जो स्टेट वाइज कट ऑफ थी मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार की वैकेंसीज की डिटेल मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको और भी कोई सवाल पूछना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, आप मुझसे क्लेरिफाई अपनी क्वेरी कर सकते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।